नमस्कार बच्चों, इसके पहले कि वीडियो क्लास में हम लोगों ने पाठ 13 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्द, शब्द अर्थ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आदि कर लिए थे, तो आज हम लोग उसी पाठ का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से आज शुरुआत करेंगे, तो चलिए फटाफट आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक हिंदी गुलमोहर निकाल लीजिए और पेज नंबर 9090 पेज नंबर 9090 खोल लीजिए। उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लिए होंगे, तो उसमें आज हम लोग पाठ 13 का प्रश्न उत्तर से शुरुआत करेंगे। तो देखिए प्रश्न 2, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क है शेरनी, शेर पर क्यों क्रोधित हुई, शेरनी शेर पर क्यों क्रोधित हुई, इसका उत्तर होगा शेर के आलसी होने के कारण शेरनी उस पर क्रोधित हुई। शेरनी शेर पर क्यों क्रोधित हुई, शेर के आलसी होने के कारण शेरनी उस पर क्रोधित हुई। तो ये आपका क्लास वर्क है, टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। शेर बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था, शेरनी के द्वारा किए गए शिकार को ही खाकर अपना पेट भरता था, ठीक है। फिर ख में है बैल ने गीदड़ के साथ क्या किया, बैल ने गीदड़ के साथ क्या किया, तो बताइए क्या किया था। बैल ने गीदड़ को सींगों पर उठाकर दूर पटक दिया। जब गीदड़ बैल पर शेर की तरह झपट्टा मारा तो गीदड़ को भी गुस्सा, ये बैल को भी गुस्सा आ गया और अपने सींगों पर गीदड़ को उठाकर दूर पटक दिया, जिससे उसे बहुत ही चोट पहुंची, उसे परेशानी हुई, क्योंकि वो शेर का नकल कर रहा था, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि बैल इतना बड़ा है और कहाँ मैं इतना छोटा, ये चीज़ उसकी समझ में ही नहीं आई। चलिए उम्मीद है आप लोग साथ साथ लिखते जा रहे होंगे, प्रश्न क और ख लिख लिए होंगे। अब प्रश्न ग, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना गलत है, कैसे। बिना सोचे समझे किसी का नकल करना नहीं चाहिए, तो नकल करना गलत है कैसे, वो हमें बताना है। बिना सोचे समझे नकल करने से इंसान का स्वयं से विश्वास कम हो जाता है। अगर हम नकल करना शुरू कर दें तो हमारी
सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा स्वयं से विश्वास उठ जाएगा, हमें ये महसूस नहीं होगा कि इस काम को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक लत लग जाएगी किसी की नकल करना, वो इस तरह से काम कर रहा है चलो मैं भी उसी तरह से करूं। ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग देखकर सुंदर लिखावट में इन प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट बुक में लिख लिए होंगे। अब ये नोटबुक में होमवर्क है आपका। प्रश्नों के उत्तर लिखने का ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न 3 है इसे हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था, अगर किसी ने नहीं किया हो तो यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। अब हम प्रश्न चार घटनाओं को क्रम देकर बताइए कि पहले क्या फिर क्या हुआ। यहाँ जो घटना वाक्य के द्वारा दी हुई है उसे क्रम में सजाना है। हमें ये बताना है कि इस कहानी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो हमें क्रमानुसार सजाना है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसे पढ़ते हैं। कम ये शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। फिर दूसरा है सफलता नकल से नहीं अकल से मिलती है। तीसरा ग में है शेर ने बैल को मारा और शेरनी के आगे डाल दिया। घ में है शेर के बच्चे भूखे थे और वह मजे से सो रहा था। तो पहले आप खुद से सोचिए कि पहले कौन सा होगा फिर कौन सा होगा। तो सबसे पहले होगा शेर के बच्चे भूखे थे और वह मजे से सो रहा था। वह किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर, शेर के लिए। ठीक है, तो इसका क्रम संख्या 1 होगा। फिर कौन सा हो जाएगा, शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। जब शेरनी ने उस पर गुस्सा किया तो शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। उसके बाद क्या हुआ, शेर ने बैल को मारा और शेरनी के आगे डाल दिया। जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकला उसकी नज़र एक बैल पर पड़ी और वह शेर के ऊपर झपट्टा मारा और शेर को मारकर शेरनी के आगे डाल दिया। बैल को मारकर शेरनी के आगे डाल दिया। फिर सफलता नकल से नहीं अक्ल से मिलती है, ये इस कहानी में समझाने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह आपको क्रम संख्या अपनी टेक्स्ट बुक में डालना है। सबसे पहले क्या होगा, घ होगा, सेकेंड नंबर में क, थर्ड नंबर में ग और ख फोर्थ नंबर में होगा। तो इस तरह 2 4 3 1 ये क्रम संख्या आएगी इस कहानी के लिए।
चलिए उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब पेज 91 में आ जाइए। भाषा ज्ञान, इसमें भाषा ज्ञान से चलिए। तो अब हम लोग पेज नंबर 9191 में भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक सामने तो रखे ही होंगे, तो आपको क्लास वर्क साथ साथ कर लेना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों से बनने वाले अधिक से अधिक अन्य शब्द बनाकर लिखिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उससे कौन कौन से नए शब्द बन सकते हैं, इन वर्णों को मिलाकर उससे शब्द बनाने हैं। तो क में है तिल मिला। तो देखिए ये उदाहरण के रूप में यहाँ दिया हुआ है तिल, एक शब्द हो गया तिल ये, और दूसरा मिला, ठीक है। अब तीसरा जो है लाल, ल में आ की मात्रा ला, ल लाल, और फिर मिल, अगर हम इसमें आ की मात्रा हटा दिए तो मिल, तो चौथा मिल। इस तरह सफलता, सफलता एक शब्द है लेकिन इस शब्द के अंदर इतने सारे शब्द लगे हुए हैं। स फ ल सफल, फिर है फ ल फल, लता लता, फिर सता सता, फिर है फ स ल फसल। तो इतने सारे शब्द इस एक शब्द में छुपा हुआ है। तीसरा है तन कर। तो पहला कर, कर कर, फिर त न तन, न र नर, त र तर, न त नत, नत मस्तक होना नत। तो कितने सारे शब्द हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो एक ही शब्द है। अब लास्ट वन है सुनकर, सुनकर। तो पहला सुन, दूसरा कर, तीसरा नर, न और र नर, फिर है सुर, सु और र सुर। तो चलिए आप यहाँ से देखकर क्लास वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। अब है प्रश्न दो। प्रश्न दो में है वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, अभी तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, फिर भी देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं। क में है किनारे, शब्द क्या है किनारे, आधा क ई दोनों मिलकर की, फिर आधा न और आ दोनों मिलकर ना, र और ए मिलकर क्या हो गया रे की। देखिए यहाँ पर की ना रे,
किनारे। यहाँ पर क्या है, इन मात्राओं को स्वर में परिवर्तित करके यहाँ लिखना है। ख में है सिकार, स और ई, सी, क और आ, का, र और आ, र। और ये जो हलंत दिया हुआ है इसका अर्थ है ये सारे वर्ण आधे हैं, जब तक इन स्वरों को इसमें ना मिलाया जाए ये आधे ही व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन से मिलके ही पूरा व्यंजन बनता है, आधा क और अ मिलकर क, तो इसी तरह स और ई मिलकर सी। तो इसमें देखिए यहाँ स और ई सी, क और अ का, र और अ र, सी का र, यहाँ लिखा शिकार। तीसरा है मेहनती, म और ए मे, ह और अ ह, न और अ न, त और ई ती, मे ह न ती, मेहनती। ठीक है, अगला शब्द है बहादुर, ब ब और अ ब, ह और आ हा, द और ऊ दू, र और अ र। तो देखिए यहाँ पर ब हा दू र, बहादुर। ये हो गया वर्ण विच्छेद करना। देखिए यहाँ लिखा, जिन स्वरों की सहायता से व्यंजनों को बोला जाता है उन्हें वर्ण विच्छेद करते समय अलग लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब है प्रश्न तीन। एक के अनेक शब्द लिखिए, एक और अनेक। ठीक है, एक और अनेक, एक वचन बहुवचन, इसमें वचन, एक और अनेक का अर्थ है वचन, एक वचन बहुवचन। क में है शेरनी, तो क्या हो जाएगा, शेरनिया। शेरनी मतलब एक शेरनी, शेरनिया मतलब बहुत सारी, दो या दो से अधिक शेरनिया। लेकिन ध्यान क्या देना है, शेरनी में बड़ी की मात्रा है, वो यहाँ परिवर्तित होकर छोटी की मात्रा में आ गया, बहुवचन में इसकी मात्रा चेंज हो गई, यहाँ बड़ी ई से न में छोटी ई हो गया। शेरनी शेरनिया, हड्डी हड्डियाँ, पट्टी पट्टियाँ, सभी में ध्यान देना है, जितने भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं वो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, पूंछ पूंछें, छलांग छलांगे, आँख आँखें, सभी में चंद्रबिंदु वाले शब्द है, उसमें एक ही मात्रा और बिंदी लग जाएगी। पूछ पूछे, छलांग छलांगे, छलांग मतलब एक बार, छलांगे मतलब दो से अधिक बार, आँख एक आँख, आँखें दो या दो से अधिक आँखें। फिर है प्रश्न चार, है या है लिख कर वाक्य पूरे कीजिए। क में है देखो, क
क्या मेरी आंखें लाल हैं? यहाँ है का प्रयोग क्यों किया गया है बताइए। यहाँ पर हम है क्यों नहीं लिखे, बिना बिंदी वाला भी हो सकता था, लेकिन हम यहाँ बिंदी वाला है क्यों लिखे हैं? क्योंकि आंखें बहुवचन है, आंखें मतलब दो या दो से अधिक, तो किसी की भी एक आंख होती है क्या? नहीं, हमारी आंखें, तो इसलिए देखो क्या मेरी आंखें लाल हैं। फिर ख में है, मेरी पूंछ तनी है, क्योंकि पूंछ एक ही होता है इसलिए सिर्फ है का प्रयोग किया गया है, इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये है, इसमें ए का उच्चारण होता है और है, दोनों के उच्चारण में थोड़ा अंतर है। ग में है, इधर उधर हिलती भी है, इधर उधर हिलती भी है, इसमें है नहीं होगा। फिर यहाँ है घ में, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे बहुवचन है और शेरनी के दो बच्चे थे, इसलिए तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, इसमें है का उच्चारण होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी एक वचन रहेगा उसमें है का प्रयोग किया जाएगा, और बहुवचन या जो हमसे बड़े हैं उनको सम्मान देने के लिए हम है का उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज में निकालिए। इसमें क्या है, पेज नंबर 9 to 92 में विषय संवर्धन गतिविधियाँ, इसमें है, हमारी तरह पशु पक्षी भी बहुत सारे काम करते हैं, रेखा खींचकर मिलाइए कौन किस तरह के काम के लिए जाना जाता है। तो देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है, शेर, बैल, गधा, चिड़िया, बंदर, गिलहरी, चूहा, मकड़ी, मधुमक्खी और चींटी। ठीक है, तो इधर इनका नाम है और इधर उनका काम है, तो दोनों को आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, जो टेक्स्ट बुक में ही करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आज आपका दो होमवर्क है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।